यादगार सफर की यह तो शुरुआत है, सूझबूझ से भरे है अलग इनकी बात है। कोई है पढ़ने में आगे, कोई हवा जैसे भागे, कोई जानकार बड़ा, कोई दिल से जुड़ा, अलग अलग भले हो ये रहे एक साथ है। यादगार सफर की यह तो शुरुआत है, सूझबूझ से भरे है अलग इनकी बात है। आखिरी साल है स्कूल का, इस बार कौन फर्स्ट आएगा? अरे मैं और कौन? खाने में नहीं लड्डू, उसमें तो हम सब तुमसे हार मान चुके हैं। बाकी सब में या तो जागृति या अधिकार। अब तक जागृति टॉप करती है क्योंकि मैं खेलों में व्यस्त था। अच्छा, तो इस बार तो खेल नहीं थे कोई? तभी तो, इस बार तुम सेकंड आने वाली हो। तो हो जाए एक शर्त। बिल्कुल। शर्त किस लिए? मैं तो चाहती हूँ कि हम दोनों फर्स्ट आएं। दोनों फर्स्ट मतलब दो पार्टी, मतलब तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू। मेहनत का फल मिला जिसे भी, उसने बांट ली अपनी खुशी। जो पीछे रह गया वो कर रहा प्रयास है, यादगार सफर की यह तो शुरुआत है। नमस्ते 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 बच्चों, बैठो और आप सबको बधाई हो बधाई, मिठाई दो मिठाई। पर टॉप सिर्फ जागृति ने किया है सर। हाँ हाँ, पर अधिकार खेलों का टॉपर है, स्वाति साइंस की, और लड्डू मैं एक पेपर में तो पास भी नहीं हुआ। बाकी चार में तो हो गए पास, आगे करते रहो प्रयास। अरे वाह सर, मुझे पहली बधाई आपसे मिली। बताइए बताइए कौन सी मिठाई खाएंगे आप? भाई मिठाई मैं ले लूँगा, पर ये बताइए आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? मैं शिक्षक बनूंगी। मुझे तो IAS की तैयारी करनी है। अभी तो नहीं सर, पर शायद पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँ, देश के लिए कुछ करूँ। भाई जो भी करो अच्छा करो, पर देश के लिए कुछ करने के लिए तुम्हें अब ज्यादा इंतजार नहीं करना। अभी से थोड़ी ना हम पुलिस फौज या अफसर बन सकते हैं। अरे आप सबसे बड़े अफसर बनने वाले हैं, जल्दी। लड्डू और अफसर। इसका तो नाम भी अफसर वाला नहीं। नाम रंग धर्म सारे भेदभाव, इन सबसे ऊपर हैं अपने चुनाव। कहीं आप वोटिंग की बात तो नहीं कर रहे? बिल्कुल सही, मैं तो 18 का हो चुका, पर ये सब अभी बच्चे ही हैं। नहीं हुए पर होने वाले हैं, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग पहले से तैयार रहें। पहले से तैयार? मुझे तो अभी सिर्फ अपनी कंपार्टमेंट के लिए तैयारी करनी है। मिठाइयाँ खा के? हाँ हाँ खाऊंगा, तभी तो दिमाग चलेगा। देखो वो तो फिर भी मुश्किल है, पर ये वाली तैयारी आसान है। हाँ 18 के हुए और हो गए तैयार। हाँ 18 के होने पर आप तैयार हैं, पर सिर्फ इतना काफी नहीं। वोटर कार्ड की बात कर रहे हैं आप? हाँ, पर हम तो ठहरे सुरों वाले आदमी, ज्यादा जानकारी तो सुरेश सर के पास मिलेगी। स्पोर्ट्स टीचर? हाँ हाँ वो BLO भी तो हैं। BLO बोले तो बूथ लेवल ऑफिसर। क्या हुआ लड्डू? कुछ नहीं सर, माना कि लड्डू का पेट एक गोदाम की तरह है, पर फिर भी उसकी भी अपनी लिमिट है। अब हम चलें सर, बाकी मिठाइयाँ भी तो बांटनी है। नोक झोंक के खट्टे मीठे पल, पल में शायद जाए बदल, पर जब तक साथ है खुशियों की बरसात है। यादगार सफर की यह तो शुरुआत है, सूझबूझ से भरे है अलग इनकी बात है। अधिकार, क्या तुम्हारे पास सिक्के पड़े हैं? अभी तो 5 किलो लड्डू खाए तुमने, फिर भूख लग गई? नहीं यार, अपनी किस्मत का फैसला करना है। फिल्मी स्टाइल सिक्का उछाल के? मुझे फैसला करना है कि अभी पढ़ाई करूं या नहीं, तो अगर चित आया तो मस्ती, और पट आया तो पढ़ाई, नहीं पट आया तो पेट पूजा। तो पढ़ाई? अब पढ़ाई तब अगर सिक्का बीचों बीच खड़ा हो गया तो। लड्डू तुम्हारे पैर कहाँ हैं? बस करो अधिकार, तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं हार नहीं मानने वाला। तो लगे रहो। वो देखो अधिकार, कुछ सीखो उससे। मेरा हाथ जरा फिसल रहा था, वरना
अब रहने भी दो। अरे वाह, तुम तो कमाल हो। आम चाहिए? जहीर, मुझे नहीं पता था तुम पेड़ पर चढ़ने के एक्सपर्ट हो। हाँ, स्कूल में कभी मौका नहीं मिला ना पेड़ पे चढ़ने का। जागृति को क्या हुआ? कुछ ही दिनों में हम कॉलेज जाएंगे और अलग हो जाएंगे। साथ भी तो हो सकते हैं। तुम तो अभी से अलग हो गए, पास तो हो जाओ पहले। छोड़ो ना, ये वक्त आम का है, छूट ना जाए। परीक्षा का बाद में सोचूंगा। अरे सर आप, ये आम का समय है पर आम समय नहीं। मतलब? मतलब ये यही लेने VFC गया था। VFC मतलब? वोटर फैसिलिटेशन सेंटर। आप लोगों के लिए फॉर्म 6 लाने। कॉलेज के दाखिले का फॉर्म? नहीं, लोकतंत्र में दाखिले का फॉर्म। पर इसमें हमें क्या करना है? 18 के होने के बाद तो ये हक हमें अपने आप ही मिल जाता है। अपने आप तो नहीं मिलता होगा, हर चीज तभी मिलती है जब आप उसके लिए तैयार रहें। जैसे जागृति परीक्षा के लिए तैयार रहती है। और अधिकार अपने खेलों के लिए। और लड्डू खाने के लिए। और तुम सब मेरा मजाक बनाने के लिए। तो कैसे होती है मतदान की तैयारी? फॉर्म 6 भर के। वोटर कार्ड भी तो चाहिए होता है। बिल्कुल सही। तो ये तो आसान है, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है? बात ये है कि वोटर कार्ड बनवाना आसान है, पर वोटर कार्ड होना काफी नहीं है वोट डालने के लिए। तो आप ही बताइए कि क्या किया जाए। आप मतदान के लिए तैयार हैं तो आपका नाम मतदान सूची में होना आवश्यक है। और सूची में नाम कैसे आएगा? फॉर्म 6 ले आएं, उसे भरें और साथ में पते और आयु का प्रमाण लगाकर VLO को दे दें या फिर VFC में जमा करवा दें। पते का प्रमाण? जी हाँ, कोई भी ऐसा दस्तावेज जिसमें आपका पता लिखा हो। जैसे घर के दरवाजे पर लिखे नंबर की फोटो या किसी चिट्ठी की फोटो, उस पर भी तो पता लिखा होता है। नहीं लड्डू, पते का प्रमाण किसी सरकारी दस्तावेज में होता है, जैसे कि बैंक की पासबुक, बिजली का बिल या फिर कोई और बिल। और आयु का प्रमाण? वो तो मुझे पता है, हमारे टूर्नामेंट्स में अक्सर जरूरत पड़ती है, तो वो स्कूल या सरपंच द्वारा जारी दस्तावेज होता है। बिल्कुल सही। तो एक बार फिर दोहरा लेते हैं, बोलो लड्डू कौन सा फॉर्म? 6। अब आम सर, साथ में एक प्रमाण पते का और एक आयु का। अब आम। बिल्कुल सही। पर अगर लड्डू पास नहीं हुआ तो आयु का प्रमाण मिल तो जाएगा ना इसे भी? लड्डू पास होगा, है ना लड्डू? अब आम। रंग है कितने बिखरे, मस्ती की भरमार है, जायके नए नए हंसी बेशुमार है, यादगार सफर की यह तो शुरुआत है, सूझबूझ से भरे है अलग इनकी बात है। अच्छा हुआ मैडम हमें मेला ले जाने के लिए तैयार हो गई। पर ये लड्डू कहाँ रह गया? ओए लड्डू, तुम तो पूरी दुकान ही उठा लाए। और क्या, पूरा दिन बाहर रहना है, भूखा थोड़ी रहूंगा। जब तक मैडम आती हैं, तब तक हो जाए एक लंबी कूद का कंपटीशन। हम लंबी नहीं, ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं। मैं इस दीवार से भी ऊंचा कूद सकता हूँ। तो कूद के दिखाओ। ये लो। तुमने तो कहा था कि दीवार से ऊंचा कूदोगे। हाँ, तो क्या ये दीवार इतना ऊंचा कूद सकती है? तैयार है सब मेले के लिए? बाकियों का पता नहीं, पर लड्डू तो तैयार है। कुछ दिन और साथ रह लो, तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी। ये राजा रानी की मनमर्जियों वाले कठपुतली के खेल में आम आदमी भी कठपुतली है। था, पर अब लोकतंत्र है और लोकतंत्र में प्रजा ही राजा है। फिर तो सही चुनाव करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, और सही चुनाव करने के लिए जानकारी जरूरी है। अब खाने का भी चुनाव कर ले। बोलो क्या खाएंगे सब? सब कोई ना कोई झूला झूल रहे हैं। तुम्हें क्या हो गया? मुझे नहीं झूलना, मुझे चक्कर आता है। तो यहाँ आए ही क्यों थे, कोई तो झूला चुनना पड़ेगा। ये तो कोई जरूरी नहीं। देखिए ना मैडम, ये इसे तंग कर रहा है कि कोई ना कोई झूला चुनना पड़ेगा। क्यों भी लड्डू, तुम जहीर से एक बिस्किट का बदला अब तक ले रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि अगर कोई विकल्प पसंद ना हो तो अब सिर्फ यहाँ ही नहीं, चुनाव में भी नोटा या आप इनमें से कोई नहीं का बटन दबा के अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। मेले में भी चुनाव की तैयारी? भाई वाह। जी हाँ, नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते। तो सब तैयार हैं चुनाव के लिए? फॉर्म 6 भर दिया? जी सरपंच जी, पर यदि कोई शहर बदलता है
तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? चुनावी क्षेत्र वही है तो फॉर्म 8A और बदल गया है तो फॉर्म 6। कुल्फी हो जाए? नहीं यार, मेरा तो गला खराब है। क्या हुआ लड्डू, लगता है पेट में हाउसफुल हो गया। नहीं, मेरा सिर्फ गला खराब है। अरे शर्माओ मत, बोलो ना कौन सी आइसक्रीम लोगे। मैंगो, वेनिला, चॉकलेट, कुछ तो लेना पड़ेगा। बोलो कौन सा फ्लेवर चाहिए? नोटा, इनमें से कोई नहीं। अरे वाह लड्डू, तुम तो चुनाव के लिए भी तैयार लग रहे हो बिल्कुल। एकदम सेट। ओफो, इतनी देर से बस क्यों नहीं आई? क्योंकि अगली बस 6 बजे की है। आपको कैसे पता चला? मैंने निकलते वक्त बसों के टाइम टेबल की फोटो ले ली थी। देखा, टेक्नोलॉजी ने सब कुछ कितना आसान कर दिया है। वो तो है, पर क्या चुनावों में भी कुछ बदला है या आसान हुआ? बिल्कुल, मतदाता सूची में नाम जांचना, मतदाता पंजीकरण, अपना पोलिंग बूथ और प्रत्याशियों के बारे में जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है, और काफी कुछ तो फोन पर भी। और अब तो चुनाव परिणाम भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। वो ईवीएम की वजह से। ईवीएम? ये तो कोई मोबाइल का नाम लग रहा है। नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। अब सिर्फ एक बटन दबाओ और हो गया आपका वोट। बस कब आएगी? उसका भी कोई बटन है क्या? बस का तो नहीं, पर तब तक टाइम पास करने के लिए ये बिस्कुट हैं। ओहो लड्डू, तुम अभी तक खाते खाते थके नहीं? थक तो गया, लेकिन पेट नहीं भरा। अब तो बिस्कुट भी खत्म होने वाले हैं। ये बस कब आएगी? सबको नींद आ रही है, सो जाओ। बस जो मैंने आज बताया है वो भूलना मत, और औरों को भी बताओ। ऐसे ही समाज में जागृति आएगी और सबके अधिकार सुरक्षित होंगे। और इतनी खुशियाँ होंगी तो लड्डू तो रोज बटेंगे। और लड्डू किसे नहीं पसंद। यादगार सफर की यह तो शुरुआत है, सूझबूझ से भरे है, अलग इनकी बात है। सयाने हैं, सजग हैं, ये सभी होशियार हैं। आने वाले कल के लिए ये सब अब तैयार हैं। यादगार सफर की यह तो शुरुआत है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना द्वारा जनहित में जारी अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.ceobihar.nic.in पर लॉग इन करें या 1950 पर कॉल करें।